हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एकदम टेस्टी मज़ेदार नाश्ता रेसिपी, जिसे बनाना भी आसान है और खाना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। इसके आगे आप समोसा कचौड़ी पकौड़ी भूल जाएंगे खाना। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हमने एक पैन लिया है, पैन में हमने 2 चम्मच ऑयल लिया। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच धनिया, जिसे हम हाथों पे क्रश करके इसमें डाल देंगे। अब हम लेंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज, इसे भी इसमें डाल करके इसे हम मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट तक भून लेंगे। 2 मिनट बाद हम इसमें डालेंगे एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च। मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें हम लेंगे थोड़े से हरे मटर, इन्हें भी हम प्याज के साथ भून लेंगे। जब मटर अच्छे से थोड़े से भून जाए, तब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन को क्रश करके 1 चम्मच, और इन्हें भी हम इसी के साथ मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 2 उबले हुए आलू, इसे हम हाथों से ही मैश कर लेंगे। जब इसके मोटे मोटे चंक्स मुंह में आते, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, इनका स्वाद बहुत अच्छा आता है। अब हम इनमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर 1/2 चम्मच तक, 1/2 चम्मच हम लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हम लेंगे इसमें गरम मसाला, 1 चम्मच हम लेंगे आमचूर पाउडर, जो हमारे नाश्ते को चटपटा और टेस्टी बनाएगा। आलू और मसालों को मिक्स करते हुए हम 2-3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। मैं इसमें नमक डालना भूल गई थी, अब इसमें हम डालेंगे नमक 1 चम्मच। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ फ्रेश धनिया, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसी स्टेज पर गैस फ्लेम को बंद कर देंगे। अब चलते हैं आगे की तैयारी करने। उसके लिए हम लेंगे 1 कप मैदा, इसे हम एक बाउल में डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच छोटे चम्मच से नमक, और 2 चम्मच इसमें हम डालेंगे ऑयल, और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारा नाश्ता खस्ता बने और ये अच्छे से मोयन होने लगा है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका डो लगा लेंगे। ये देखिए, हमारा डो भी अच्छे से लग चुका है। अब इसे हम एक साइड में रख देंगे 5 मिनट के लिए। तब तक हम आगे का प्रोसेस करते हैं। अब हम एक छोटी सी कटोरी लेंगे, उसमें लेंगे 2 चम्मच मैदा। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसकी थिकनेस देखिए, हमें इतनी ही ज़रूरत है। अब हम लेंगे डो, जिसे हमने साइड में रखा था, उसमें से एक लोई यानी कि पेड़ा कट कर लेंगे रोटी से छोटी साइज की। अब इसे हम सूखा आटा लगा करके बेल लेंगे। हमें इसे पूरी के साइज इतना बेलना है। अब जो हमने आलू का मिश्रण बना के रखा है ना, उसे हम इसमें रख देंगे बीचों बीच। अब जो हमने मैदे का घोल बनाया है, उसे साइड से लगा देंगे, ताकि ये अच्छे से चिपक जाए और ऑयल में जाने के बाद खुले नहीं। इसे हम अच्छे से लगा लेंगे। अब इसे हम एक साइड से उठा करके चिपका देंगे इस तरीके से। अब दूसरी साइड उठा करके इस पे चिपका देंगे। अब हम थोड़ा सा और मैदे का घोल लगा लेंगे, और इसे उठा करके ऊपर की तरफ से चिपका लेंगे। एकदम यूनिक और टेस्टी नाश्ता बन करके ये तैयार होता है। अब हम इस नाश्ते को हाथ में उठा करके पलट लेंगे, और इसे हम दूसरी साइड से मैदे का घोल लगा देंगे, और इसे हम दूसरी साइड से चिपका देंगे। देखिए, ऐसे हमें दोनों साइड से अलट पलट करके इसे चिपकाना है। इससे हमारा नाश्ता बहुत सुंदर लगता है दिखने में, और ऑयल में जाने के बाद ये खुलते भी नहीं हैं। इसी तरीके से हम बाकी के बचे नाश्ते को भी तैयार कर लेंगे। अब हम लेंगे एक पैन, जिसमें मैंने पहले से ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। अब हम एक एक करके सारे नाश्ते को इसमें डाल देंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम पे सिकने के लिए 5 मिनट छोड़ देंगे,
और 5 मिनट बाद हम इसे पलट लेंगे। ये देखिए एक साइड से इसमें कलर आ चुका है। अब इसी तरीके से हम बाकी के बचे नाश्ते को पलट लेंगे। अब इसे हम अलटते पलटते हुए दोनों तरफ से सेक लेंगे। ये देखिए ये दोनों तरफ से अच्छे से सिक चुके हैं और ये बहुत खस्ता नाश्ता बनकर के तैयार होता है। आप इसे होली में स्पेशली बनाएं, बहुत टेस्टी लगते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे और बड़ों को भी। बहुत झटपट से ये बनकर के तैयार हो जाता है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे और ये दिखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। ये देखें, इसी तरीके से हम सारे नाश्ते को प्लेट में निकाल लेंगे और जो बचे नाश्ते हैं उन्हें भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। देखिए पॉकेट साइज़ में कितने सुंदर लग रहे हैं ना, मिनी पॉकेट साइज़। और इसे हम टमाटो केचप के साथ सर्व करेंगे या फिर हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये दिखने में ऊपर से एकदम कुरकुरे और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनते हैं। मैं आपको एक दिखाती हूँ, सुनिए आवाज़। अब इसे मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।